उत्तर प्रदेश से धान लेकर हरियाणा जाने वाले किसानों को मंडियों में जाने से रोका जा रहा है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से किसानों में नाराजगी है। उनका कहना है कि हरियाणा के सीमावर्ती इलाके के किसानों का उत्तर प्रदेश में भी खेत है, वहां पर उन्होंने धान की खेती की है, लेकिन हरियाणा सरकार अपने ही राज्य के लोगों को MSP पर धान बेचने से रोक रही है। हरियाणा में बीते 3 अक्टूबर से MSP पर धान की सरकारी खरीद हो रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश में मंडियां नहीं है, ऐसे में जिन किसानों का यूपी में खेत है वे वहां से धान की कटाई कर हरियाणा की मंडियों में बेचने के लिए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस धान लोड कर आ रही गाड़ियों को हरियाणा में नहीं आने दे रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने कहा है कि राज्य ने उत्तर प्रदेश से हरियाणा की अनाज मंडियों में PR धान की आवक पर रोक लगा दी है, जिसके कारण धान से लदे ट्रैक्टरों और ट्रेलरों पर सीमा पर रोका जा रहा है। इस मुद्दे पर यूपी के किसानों ने कहा है कि वे पिछले कई वर्षों से करनाल में अपनी उपज बेच रहे हैं और उनकी आड़तियां भी करनाल में ही हैं, जिनसे उन्होंने एडवांस भी ले रखा है, लेकिन अब सरकार के इस फैसले से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने हरियाणा और यूपी सरकार से हरियाणा यूपी सीमा पर अस्थाई अनाज मंडियां विकसित करने की मांग की है, जहां किसान हर मौसम में अपनी उपज बेच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।